असला डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इज रन मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास नाइन्थ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर टू कैनमेटिक्स तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर टू कैनमेटिक्स वट इज कैनोमैटिक्स कैनमेटिक्स इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट कॉज इसमें हम एक ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं लेकिन विदाउट डिस्कसिंग एट कॉज मींस कि किस वजह से वो मोशन हो रहा है हम ये डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन एक मोशन की स्टडी को हम कहते हैं कायनमेटिक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि एक बॉडी रेस्ट में होती है और एक बॉडी मोशन में होती है तो ये जो रेस्ट और मोशन है ये क्या है रेस्ट अ बॉडी इज सैट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्सिंग्स एंड मोशन बॉडी इन मोशन इफ इट चेंज इज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्सराउंडिंग्स मीन्स की एक बॉडी अगर तो अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू इट सराउंडिंग्स यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद रिस्पेक्ट टू तो इट सराउंडिंग्स क्लियर तो अगर अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से एक बॉडी अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रही तो वो बॉडी रेस्ट में कहलाती है और सिमिलरली अगर एक बॉडी अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से हरकत में है मोशन में है मूव कर रही है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है क्लियर लेट्स पोज कि आपके घर में एक टेबल कहीं रखी है अब वो टेबल आपके अकॉर्डिंग मीन्स के जो आप सराउंडिंग्स लेट्स पोस्ट के आपको मैं यहाँ आप पे अज्यूम कर रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग वो टेबल मूव नहीं कर रही वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो मैं कहूंगा कि वो टेबल रेस्ट में है और सिमिलरली एक बॉल कुछ हम थ्रो करते हैं तो वो बॉल अपनी पोजीशन चेंज कर रही है अब हमारे अकॉर्डिंग वो बॉल मूव कर रही है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये बॉल मोशन में है क्लियर अब यहां पर जो मैंने चीज अंडरलाइन की दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स अब सराउंडिंग्स बेसिकली बहुत मैटर करती है किस तरह से एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि एक बस में कुछ पैसेंजर्स बैठे हैं और वो बस मूव कर रही है वो चल रही है लेट्स कहता हूं कि दो पैसेंजर हैं ए और बी ए के अकॉर्डिंग ए को मैं यहां बात करूं कि ए क्या है सराउंडिंग्स हैं ए के अकॉर्डिंग जो पैसेंजर बी है वो मूव नहीं कर रहा वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हालांकि बस चल रही है लेकिन वो पैसेंजर बी जो है वो मूव नहीं कर रहा सो so, यहां पर ए के अकॉर्डिंग क्या होगा कि बी रेस्ट में है बी मूव नहीं कर रहा सिमिलरली एक बाहर एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है कि जो पैसेंजर बी है वो तो मूव कर रहा है क्योंकि बस मूव कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो पैसेंजर बी है वो भी मूव कर रहा है So, अब बाहर खड़े पर्सन को यह लगेगा कि जो पैसेंजर बी है वो मोशन में है so, यहां पर क्या हुआ कि सराउंडिंग्स चेंज करने की वजह से वही पैसेंजर बी रेस्ट में भी था और वही पैसेंजर बी मोशन में भी हो गया क्लियर सो आई होप यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि सराउंडिंग्स कितनी मैटर करती हैं ओके okay? सो so, अब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं Now, the next topic that is types of motion. So, there are three types of motion, and they are translatory motion, rotatory motion, and vibratory motion. So, translatory motion ko further, aage three types mein divide kar diya gaya, and they are linear motion, circular motion, and रेंडम मोशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को सो इन ट्रांसलेशनल मोशन बॉडी मूव अलॉन्ग विदाउट एनी रोटेशन विदाउट एनी रोटेशन एंड द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व एक बॉडी जो के स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो अब ये लाइन जो है ये स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर लाइन करव भी हो सकती है ठीक है लेकिन वो एक लाइन में मूव कर रही हो तो उसे हम कहते हैं कि इसका जो मोशन है तो हम कहेंगे कि इसका ट्रांसलेशनल मोशन है एंड सिमिलरली एन एरोप्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एरोप्लेन भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसका भी ट्रांसलेशनल मोशन है क्लियर एंड सिमिलरली मोशन ऑफ फेरिस देख सकते हैं कि फेरस व्हील जो है यह भी एक कर्व लाइन में लाइक मूव कर रहा है सो दैट मीन इसका भी ट्रांसलेशनल मोशन है बट रिमेंबर कि वो बॉडी लाइन में तो मूव करे बट विदाउट एनी रोटेशन ओके सो रो रोटेशन जो है वहां पर नहीं होनी चाहिए तो ऐसे मोशन को फिर हम कहते हैं दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन क्लियर सो ट्रांसलेशनल मोशन को फर्दर डिवाइड कर दिया गया था थ्री टाइप्स में दैट इज लीनियर सर्कुलर एंड रैंडम मोशन तो इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसको थ्री टाइप्स में किस तरह से डिवाइड कर दिया गया सो नाउ लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन सो मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसलेशनल मोशन कौन सा है जिसमें एक बॉडी लाइन में मूव करती है अब वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है या कर्व भी हो सकती है अब उसमें वो ऑब्जेक्ट्स जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं उन्हें फर्दर फिर हम कहते हैं लीनियर मोशन है इनका क्लियर जो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं जस्ट लाइक दिस एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करना ठीक है इसे हम कहते हैं लीनियर मोशन लाइक like फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर जब एरोप्लेन बिल्कुल एयर में स्ट्रेट फ्लाई करते हैं तो इन्हें हम कहेंगे कि ये लीनियर मोशन है इनका एंड सिमिलरली ऑब्जेक्ट फॉलोइंग वर्टिकली डाउन एक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइक नीचे गिर रहे हैं ठीक है तो अब इनका भी क्या होता है कि लीनियर मोशन होता है ये भी स्ट्रेट लाइन में नीचे आते हैं और सिमिलरली लाइक अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो एक कार वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो इसका भी लीनियर मोशन होगा क्लियर नेक्स्ट टाइप दैट इज सर्कुलर मोशन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन तो एक ऑब्जेक्ट का मोशन अगर सर्कुलर पाथ में होगा तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में लाइक दिस ठीक है तो इसे हम कहेंगे कि इसका सर्कुलर मोशन है कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं लाइक स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूव इन एक स्टोन को आपने टाई कर लिया और अब आप इस स्ट्रिंग को इस तरह से जब मूव करते हैं अब यहां पर ये स्टोन का जो मोशन होगा ये सर्कुलर मोशन होगा बिकॉज ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है क्लियर एंड सिमिलरली टॉय ट्रेन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक अब आप यहां देख सकते हैं कि एक टॉय ट्रेन जो है ये एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है सो so, यहां पर जो ट्रेन का मोशन होगा वो भी हम कहेंगे कि सर्कुलर मोशन है एंड सिमिलरली द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थ सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसे भी हम कहेंगे कि ये भी सर्कुलर मोशन है एंड सिमिलरली द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ कि मून जो है वो भी अर्थ के राउंड अबाउट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे हम कहेंगे ये भी एक सर्कुलर मोशन है क्लियर so, अब डिस्कस करते हैं रैंडम मोशन सो नाउ रैंडम मोशन द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन डिसऑर्डर मीन्स के उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना हो कोई अररेगुलर सा मोशन हो तो उसे हम कहते हैं इट इज द रेंडम मोशन लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक कुछ भी इस तरह का कोई मोशन हो तो उसे हम कहेंगे ये क्या है रेंडम मोशन है क्लियर लाइक मोशन ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स आपको पता है कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो हैं वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं तो उनका जो मोशन है उसे हम कहेंगे रेंडम मोशन क्लियर एंड सिमिलरली सिमिलर मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स एयर में जो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स जो होते हैं अब उनका भी रैंडम मोशन होता है वो भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं किसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करते या किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करते वो रेंडमली मूव करते हैं तो हम कहेंगे इनका भी रेंडम मोशन होता है क्लियर नाउ द सेकेंड टाइप विच इज रोटेटरी मोशन स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सेस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सेस एक्सेस क्या होता है एक्सेस बेसिकली हम एक लाइन को कहते हैं जिसके राउंड अबाउट कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है मूव करता है तो बेसिकली वो जो लाइन जिसके राउंड अबाउट रोटेट करता है उस लाइन को हम कहते हैं दैट इज एक्सेस बॉडी अबाउट इट एक्सेस एक एक्सिस अबाउट एक बॉडी का स्पिन होना उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन लाइक फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट एक्सेस आपने सुना होगा कि वो जो व्हील का सेंटर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एक्सेल और वो जो एक्सेल है बिल्कुल ये बेसिकली एक्सेस कहलाता है क्योंकि हमारा जो व्हील है वो इसके राउंड अबाउट रोटेट कर रहा होता है क्लियर सो इट इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन ओके एंड सिमिलरली द मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील की जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी एक एक्सेस के राउंड अबाउट लाइक स्टीयरिंग व्हील का जो भी एक्सेस सेंटर पार्ट होता है वो अंदर फिक्स होता है और हम उसी के राउंड अबाउट व्हील को टर्न करते हैं स्टीयरिंग व्हील को So, ये भी क्या होगा एक रोटेटरी मोशन होगा क्लियर so, अब आपको यहां पर सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा इसको मिक्सअप मत कीजिएगा सर्कुलर मोशन इज समथिंग एल्स और रोटेटरी मोशन इज समथिंग एल्स यहां पर आपको डिफरेंस क्लियर कर दू कि एक लाटू आपने देखा होगा लाटू जब हम घुमाते हैं तो अब लाटू का भी रोटेटरी मोशन होता है क्योंकि वो अपने एक्सिस के राउंड अबाउट रोटेट कर रहा है लेकिन अगर हम बात करें कि इस लाटू के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो एटम्स हैं एटम्स वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन सो द टू एंड फ्रो मोशन मीन लाइक दिस टू एंड फ्रो मोशन इट इज कॉल्ड द इब्रेटरी मोशन आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा होता है तो भी जस्ट लाइक like इस तरह से हो रहा होता है टू एंड फ्रो हो रहा होता है ओके okay? सो so, जो टू एंड फ्रो मोशन है दिस इज द वाइब्रेटरी मोशन क्लियर लाइक एग्जाम्पल इन अ क्रैडल मूविंग टू एंड फ्रो क्रैडल में आप देख सकते हैं कि बेबी मूव कर रहा है टू एंड फ्रो सो ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन है सिमिलरली सी सो सी सो इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन क्लियर So, इस तरह से जो भी चीज टू एंड फ्रो मूव करती है उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन आई होप की टाइप्स और ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज